Good morning, learners. I am Dr. Kalpana Lakhira, Assistant Professor Education, Uttarakhand Open University, Haldwara. Today, we will discuss about concept, definition, and characteristics of creativity. Arthat, Srijanatmakta, Sampratyay, Paribhasha, Evam, Lakshya. Srijanatmakta, creativity, शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सृजन, कुछ नया निर्माण, कुछ नई रचना. सृजनशीलता को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों के द्वारा कई परिभाषाएं दी गई, जिनमें मुख्य रूप से क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम. जेम्स डेवर के अनुसार क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन एवरी न्यू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन. देव दहल के अनुसार क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस composition, product and ideas which are essentially new and novel and previously unknown to the producer. अब हम यह देखेंगे कि सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी सार्वभौमिक होती है. प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ सृजनात्मकता पाई जाती है, लेकिन अवसरों की उपलब्धता होने के कारण क्रिएटिविटी इन्हांस होती है. अगर अवसर उपलब्ध ना हो तो क्रिएटिविटी धीरे धीरे धूमिल होने लगती. सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजक में एक आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है. साथ ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है. वैज्ञानिक आविष्कार, कविता, कहानी, नाटक आदि लिखना, नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प कला, राजनीति और सामाजिक जीवन का हर क्षेत्र सृजनात्मकता से आच्छादित होता है. सृजनात्मकता का मुख्य आधार सृजनात्मक चिंतन है. सृजनात्मक चिंतन को स्पष्ट करने के लिए गिलफर्ड ने दो प्रकार के सृजनात्मक चिंतन की दिए. पहला चिंतन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स एमिंग फॉर सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है. इस तरह के चिंतन में व्यक्ति रूढ़िवादी तरीका अपनाकर अर्थात समस्या संबंधी दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका समाधान करता है. अभिसारी चिंतन में व्यक्ति बहुत आसानी से एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन कर सकता है. डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात अपसरण चिंतन. Divergent thinking involves creative generation of multiple answers to a simple problem. सरल चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है. जब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है तो स्वभावतः एक समस्या के कई संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं और वह अपनी ओर से भी कुछ नई चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है. इस प्रकार के चिंतन की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति आसानी से एक पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार चिंतन नहीं कर सकता. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपसरण चिंतन सृजनात्मक चिंतन के ज्यादा करीब है. अब हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता के तत्व. सृजनात्मकता के चार तत्व होते हैं. पहला तत्व है प्रवाह, फ्लुएंसी. प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों की प्रस्तुति से है. प्रवाह के चार भाग हैं: वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचारी प्रवाह, शब्द प्रवाह. सृजनात्मकता का दूसरा तत्व है फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन. लचीलापन से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए उत्तरों एवं विकल्पों में लचीलापन होने से है. अतः व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न है इन बातों का ध्यान रखा जाता है. तीसरा है मौलिकता अर्थात ओरिजिनलिटी. मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असमान या अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होना दर्शाता है. मौलिकता मुख्यतः नवीनता से संबंधित होती है. अगला तत्व है इलेबोरेशन अर्थात विस्तारण. विस्तारण से अभिप्राय दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से है. अब हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी.
प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी को समझाने के लिए वॉलेस के द्वारा एक मॉडल दिया गया जिसका पहला पद है प्रिपरेशन अर्थात तैयारी। प्रिपरेटरी वर्क ऑन प्रॉब्लम दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स माइंड ऑन द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम्स डायमेंशन। सेकेंड स्टेप इज इंक्यूबेशन वेयर द प्रॉब्लम इज इंटरनलाइज्ड इनटू द अनकॉन्शियस माइंड एंड नथिंग अपीयर्स एक्सटर्नली टू बी हैपनिंग। Third is intimation. The creative person gets a feeling that a solution is on its way. Next step is illumination, where the creative idea burst forth from its preconscious processing into conscious awareness. Last step is verification, where the idea is consciously verified, elaborated, and then applied. Now we study about characteristics of creative child. सृजनशील बच्चों के क्या लक्षण होते हैं? नंबर एक, सृजनशील बच्चों में ओरिजिनलिटी पाई जाती है, साथ ही बच्चों में मौलिकता के साथ साथ लचीलापन भी पाया जाता है। मौलिकता से अर्थ नवीनता से है। सृजनशील बच्चे किसी भी समस्या का सविस्तार अध्ययन कर साथ ही प्रश्न के सविस्तार उत्तर ढूंढने का प्रयास कर। सृजनशील बच्चों में सामंजस्य की अच्छी क्षमता होती है। सृजनशील बच्चे रिस्क टेकर होते हैं, उनमें हाई रिटेंशन पावर होती है, वो याद की गई वस्तु को लंबे समय तक धारित कर सकते हैं। साथ ही क्रिएटिव बच्चे क्रियाशील होते हैं, उनमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। क्रिएटिव बच्चों में डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, विचारों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। वो एक अनुकरण के द्वारा चीजों को करने में विश्वास नहीं करते हैं, इसके बजाय वो विभिन्न तरीकों से विभिन्न आइडियाज को जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। साथ ही सृजनशील बच्चे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो समस्या के बजाय समाधान को फोकस कर। सृजनशील बच्चों में एस्थेटिक सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा पाया जाता है। साथ ही सृजनशील बच्चे आत्मविश्वास से लवरेज एवं आत्मसम्मान की भावना से भरे होते हैं, और सृजनशील बच्चे आत्म अनुशासित तथा विपरीत परिस्थितियों तथा विपरीत स्वभाव के व्यक्तियों के साथ अच्छे से सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा उनमें आत्मसम्मान के भाव, अहम की तुष्टिकरण की आवश्यकता कुछ अधिक पाई जाती है। साथ ही उनके व्यवहार में सृजनात्मक, विनोद प्रियता, आनंद उल्लास, स्वच्छंद एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं बौद्धिक स्थिरता प्रदर्शित होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। उचित वातावरण, शिक्षा व्यवस्था, पालन पोषण के द्वारा सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। एक अध्यापक को सृजनात्मक बालकों की पहचान तथा संबंधित बातों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह समय से ही क्रिएटिव चाइल्ड की पहचान कर सके एवं उनकी सृजनात्मकता के विकास में भरपूर सहयोग प्रदान कर सके। प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, विविध चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने और बनाने की योग्यता आदि कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनका विकास सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। बालकों के अंतर सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चों में सृजनशीलता बढ़ती है, जैसे फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देने की स्वतंत्रता। अक्सर देखा जाता है कि अध्यापक और माता पिता अपने बच्चों से पुराने एवं प्रचलित उत्तरों की आशा रखते हैं, अतः बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए अवसर नहीं मिल पाते। अतः बच्चों को उत्तर देने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा है अभिव्यक्ति के लिए अवसर। अभिव्यक्ति की भावना
बच्चों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करती है, वे तभी सृजनात्मक कार्यों में जुटते हैं जब उनका वो उन्हें सृजनात्मक कार्यों के लिए अवसर या अभिव्यक्ति के लिए अवसर बच्चों को दिए जाएं। मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, बच्चों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी समस्या का समाधान करने या किसी काम को सीखते समय यदि वे अपनी विधियों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रचलित तरीकों से हटकर काम करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उचित अवसर एवं वातावरण प्रदान करना, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए स्वस्थ एवं उचित वातावरण की व्यवस्था आवश्यक है। बच्चे की जिज्ञासा तथा सहनशीलता को किसी भी सूरत में दबाना नहीं चाहिए। सृजनशील अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामाजिक आयोजन, प्रदर्शन, प्रदर्शनियां बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। नियमित कक्षा कार्य भी इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग विकसित हो। सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन प्रणाली में सुधार बहुत आवश्यक है, जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में इस महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। परीक्षा प्रणाली में उन सभी बातों को समावेश करना चाहिए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसे अधिगम अनुभव अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन मिले जो सृजनात्मकता का पोषण और विकास करते हों। पाठ्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है, वह बालकों में अधिक से अधिक सृजनात्मकता विकसित करने में सहायक हो सके। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उसमें परीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता से परे हटकर कुछ नया करने की पर्याप्त अवसर होने चाहिए। श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो सृजनात्मकता में सहायक होते हैं और विशेष तकनीकों का प्रयोग सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं ने बालकों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जिन विशेष तकनीकों और विधियों को उपयोगी ठहराया है उनका समावेशन हमारी शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए, जैसे मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क उद्वेलन एक ऐसी तकनीक है, विद्या है, जिसके द्वारा किसी समूह विशेष में बिना किसी रोक टोक आलोचना, मूल्यांकन या निर्णय के परवाह किए बिना किसी समस्या विशेष के हल के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों एवं समाधानों को जल्दी जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। यूज ऑफ टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण के कुछ मॉडल्स जैसे ब्रूनर का संप्रेत्य उपलब्धि प्रतिमान, सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो इनको शैक्षिक जगत में उचित समावेशन किया जाना चाहिए। यूज ऑफ गेमिंग टेक्निक, खेल खेल में ही सृजनात्मकता का विकास करने के दृष्टि से गेमिंग टेक्निक्स का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोगी है। इन तकनीकों में जो प्रयोग सामग्री काम में लाई जाती है वह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूपों में होती है। खेल खेल में बच्चे निर्माण एवं सृजन के कई नए नए आयामों को जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं और उनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आज के समय में सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समाज की स्थितियां परिस्थितियां चेंज होती जा रही हैं, जो कि समय कई प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान ढूंढने के लिए सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।